नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके समाप्त होती है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और ये कौन कौन से राज्य में बहती है, और सोन नदी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। यह मध्य प्रदेश के बघेलखंड की प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश में बघेल राजाओं की राजधानी रीवा रियासत इसी नदी के किनारे है। सोन नदी पलामू की उत्तरी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। सोन नदी सदानीरा नदी है। सोन नदी की लंबाई की बात करते हैं। सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है तथा इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 70,055 वर्ग किलोमीटर है। सोन नदी किन किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। सोन नदी का उद्गम स्थान। सोन नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मैकाल की पहाड़ी अमरकंटक जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से सोन नदी का उद्गम हुआ है। सोन नदी का मुहाना या सोन नदी कहाँ समाप्त होती है? मानेर नामक जगह दीनापुर के निकट पटना बिहार में सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। बाद में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सोन नदी के अन्य नाम सोनभद्र, हिरण्यवाह, स्वर्ण नदी, गोल्डन रिवर, सोहन। सोन नदी की सहायक नदियाँ बानस, गोपद, रिहंद, कन्हार, कोयल, घाघर, जोहेला, छोटी महानदी। जोहेला नदी का उद्गम अमरकंटक जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से होता है। अमरकंटक से तीन नदियों का उद्गम होता है, वो हैं नर्मदा, सोन और जोहेला। बाद में जोहेला नदी सोन में मिल जाती है। सोन नदी किनारे बसे प्रमुख नगर या शहर शहडोल, उमरिया, रीवा, अनूपपुर, डेरियोन सोन, सासाराम, रोहतास, कोयलवर, बीहटा, पटना, सोनभद्र, चौपड़, देवरी आदि अनेक शहर सोन नदी के किनारे बसे हुए हैं। सोन नदी पर बने पुल या ब्रिज, नंबर 1 डेरियोन सोन में, नंबर 2 कोयलवर ब्रिज रेल से सड़क पुल है, नंबर 3 ग्रांड ट्रंक रोड पर। सोन नदी पर बने बांध या डैम, नंबर 1 सोन नदी पर पहला बांध 1874 में डेहरी पर बनाया गया, नंबर 2 इंदिरापुर बांध 1968 में बनवाया गया, नंबर 3 बाणसागर डैम। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर निर्मित अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तीनों की सम्मिलित परियोजना है। इससे 405 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। यह बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर 2006-2008 के बीच बनवाया गया। देवलोंद रीवा से लगभग 54 किलोमीटर दूरी पर रीवा शहडोल मार्ग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 67 मीटर है। बाणवट के नाम पर इसका नाम पड़ा। ऐसा कहा जाता है बाणवट सोन नदी किनारे रहा करते थे। इससे पहले इसे डिम्मा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। सोन नदी का इतिहास या पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथ विंध्य वैभव के अनुसार अमरकंटक की पहाड़ी पर भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग स्थापित किया था और मैकाल की इन पहाड़ियों पर सैकड़ों शिवलिंग बिखेर दिए। पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु कहा जाता है। सोन नदी किनारे धार्मिक स्थान व दार्शनिक स्थान, नंबर 1 कब्र खुर्द, नंबर 2 सोनमुड़ा, नंबर 3 ज्वालेश्वर शिवलिंग मंदिर समूह अमरकंटक की पहाड़ी पर। सोन नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, नंबर 1 सोन नदी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है, नंबर 2 यह नदी झारखंड के उत्तर पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण करती है, नंबर 3 बघेल राजपूतों ने सोन नदी के किनारे शासन किया, नंबर 4 यमुना के बाद सोन नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, नंबर 5 सोन नदी किनारे कैमूर की गुफाएं हैं जहां हजारों साल पुराने शैलचित्र पाए गए हैं, नंबर 6 भौगोलिक रूप में निचला हिस्सा या सोन नदी घाटी नर्मदा घाटी का विस्तार है, नंबर 7 बिहार में भोजपुरी भाषा और मगधी भाषा बोलने वाले क्षेत्रों के बीच सोन नदी सीमा का निर्माण करती है, नंबर 8 सोन नदी अमरकंटक से निकलने के बाद मध्य प्रदेश के अन्य भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है, नंबर 9
अग्नि पुराण में सोन नदी का वर्णन किया गया है। नंबर 10, पुराणों में सोन नदी को सोनभद्र कहा गया है। नंबर 11, यूनानी लेखक मेगस्तनीज के अनुसार सोन नदी में सोने के कई कण पाए जाते हैं, इसीलिए इस नदी का नाम सोन नदी पड़ा। नंबर 12, सोन नदी किनारे अमरकंटक से निकलने के बाद कबीर चबूतरा है, संत कबीरदास का इतिहास यहां दिखता है। नंबर 13, सोन नदी के उद्गम को अरीय अपवाह प्रतिरूप का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अमरकंटक से सोन नदी के साथ अन्य दिशाओं में नर्मदा भी निकलती है। नंबर 14, इस नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि इस नदी का बालू या रेत कह सकते हैं पीले रंग का होता है, जो सोने की तरह चमकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।